वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स अड्डा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज भी हम एक प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि CHSL 2016 का है और ये कंडक्ट हुआ था 16 जैन 2017 सेकेंड शिफ्ट में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो से एक थोड़ा सा मैं चेंज ये करने वाला हूँ कि मैं आज से जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो खाली उन्हीं क्वेश्चंस का होगा जो इनसे पहले वाले सेट्स में, मतलब CHSL 2016 के ही प्रीवियस सेट्स में जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं मैं खाली उन्हीं का सॉल्यूशन बताऊंगा। और मैंने क्वेश्चन तो वो सारे इंक्लूड करे हैं सेट, मैंने क्वेश्चंस को डिलीट नहीं किया है, मैंने क्वेश्चंस को एज इट इज़ रखा है, मगर मैं उनका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैंने उनके आंसर भी उसमें रखे हुए हैं, वो आपको खुद ही ट्राई करने हैं। अगर आप ट्राई करने के बावजूद ना कर पाए सॉल्व तब मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारे से कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रमिता एंड सत्यजीत इज 9:7। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। व्हाट इज रमिताज प्रेजेंट एज? फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखें गिवन जो भी रेशियो है उसमें हमें रमिता की एज पूछी है, ठीक है, और प्रेजेंट एज पूछी है, और प्रेजेंट एज रमिता की जो है ना वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन से पता ही लग रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में अगर हम देखें तो खाली दो ही ऐसे ऑप्शंस हैं जो 9 के मल्टीपल है, एक तो हमारा 81 और एक हमारा 63। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम इन दोनों में से, बाकी तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो, क्योंकि दो 9 से तो कटते नहीं तो आंसर भी नहीं हो सकते। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर होगा, उसको हम कैसे पिकअप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम एक बार ऑप्शन नंबर 63 को ले लेते हैं। अगर फ्रेंड्स 63 हमारा आंसर होगा तो 9x की वैल्यू अपने को 63 दे रखी है, तो फ्रेंड्स 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। ठीक है फ्रेंड्स, और 9 साल बाद यानी कि आज रमिता की 63 और सत्यजीत की एज 49 है, 9 साल बाद हम दोनों में 9 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 72। क्या इन दोनों का रेशियो 5:4 है? बिल्कुल नहीं, तो फ्रेंड ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 81 इज द राइट आंसर, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एलिमिनेट कर ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे ये। sec a माइनस tan a डिवाइड बाय cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, अपने को इन चारों ऑप्शंस में से एक अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको रेशनलाइज कर लें। तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। sec a माइनस tan a अपॉन cosec a प्लस cot a, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर cosec a माइनस cot a आ जाएगा और नीचे भी यही रहेगा cosec a माइनस cot a, तो ये तो वन हो जाएगा, ये दोनों मिलकर वन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा sec a माइनस tan a इंटू cosec a माइनस cot a बटे वन। फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टी होती है sec a माइनस tan a की वैल्यू होती है 1 अपॉन sec a प्लस tan a, तो हम इसको ही क्या लिख सकते हैं, हम इसको ही लिख सकते हैं cosec a माइनस cot a अपॉन sec a प्लस tan a, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा।
तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। ऊपर कॉस ए के माइनस कॉट ए माइनस में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये अप्रोच पता है तो हम ये इस क्वेश्चन को पढ़ के भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक पतंग है जहाँ एंगल 90 है और एम सी सी एंगल 60 है। यदि ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो विकर्ण ए सी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको काइट की सारी प्रॉपर्टीज़ पता है ना, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे। काइट की ये दोनों साइड बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है, मगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होता, मगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर नहीं है। अगर हमने डायगोनल बना दी तो ये दो इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा डायग्राम साफ कर देता हूँ। ये एंगल दे रखा है ए, क्यों फ्रेंड्स, ये दो डिफरेंट एंगल है तो डिफरेंट एंगल अपोजिट ही हो सकते हैं, बड़े वाले साइड वाले, ये दो तो नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं। तो ये ए सी ये बन गया, तो ये बन गया बी और ये बन गया सी, इनको हम एक बार ज्वाइन कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसमें इसके जो आमने सामने वाले जो बड़े वाले जो एंगल है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। तो अगर फ्रेंड्स एंगल ए 90 का है तो ये बन जाएगा 45 का, और फ्रेंड अगर ये 60 का है तो ये बन जाएगा 30 का, और ये तो एक दूसरे को 90 पे काट रहे तो ये बन गया 90। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें, ये 90 है ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब एक बार देखते हैं वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है। ए बी इजिकल टू, यानी कि इसकी लंबाई 6 है तो ये भी 6 होगी। अपने को ए सी की लंबाई निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये दोनों साइड सेम है, 6 6 है, तो जो बीच में जो डायगोनल सी बी है, सी बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, सी बी की लेंथ हो जाएगी 6√2। ये भी और ये इन ये डायगोनल ए सी ने इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 3√2 और इसका भी लेंथ हो जाएगा 3√2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को हम इस पॉइंट को के मान लेते हैं। ठीक है, तो हम अब अगर हम एंगल देख लेते हैं, सी बी के एंगल सी बी के, इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 30 है, और अपने को ये जो साइड मालूम है ये अपने को मालूम है 3√2। फ्रेंड्स एक छोटी सी प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है ना, अगर वो एक्स है तो जो 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है ना वो, मैं आपको एक बार और बना कर दिखा देता हूँ। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर 30 के सामने एक्स होगी तो 60 के सामने x√2 होगी और 90 के सामने 2x होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 90 के सामने कितनी हो जाएगी, 6√2, और जो अपना ये बेस बन जाएगा, बेस का क्या होना चाहिए, x√2, और x की वैल्यू 3√2 है। फ्रेंड्स ये √2 नहीं, √3 होता है, ये √3 है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो लाइन केसी है इसकी लेंथ हो जाएगी 3√3 × √2, 3√3 × √2। तो यानी कि हमने इतनी सी की लेंथ निकाल ली, 3√2 √3। तो क्या हम इससे आंसर तक पहुंच सकते हैं, अभी नहीं, अपने को भी एक और निकालना पड़ेगा तभी हो पाएगा। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि हम ऊपर, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है मगर कॉन्सेप्चुअल है। हमने के सी की लेंथ निकाल ली, अभी के ए की लेंथ निकालनी बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने को दो साइड मालूम है,
ए बी साइड मालूम है और के बी साइड मालूम है, तो हम के ए निकाल सकते हैं क्योंकि वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे। अब ट्राइंगल हम बी के ए में बात कर रहे हैं, ए के की वैल्यू 6 दे रखी है, के बी की वैल्यू 3√2 है और ये हमारी एक्स है। ठीक है, तो 6² इज इक्वल टू x² प्लस 3√2 का स्क्वायर, तो x² 18 इज इक्वल टू 36। तो फ्रेंड x² कितना जाएगा, x² आ जाएगा 18, 9 × 2 ये आ गया 3√2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3√2, तो ए के की वैल्यू आ गई 3√2। तो अपने को ए सी निकालना था, ए सी इज इक्वल टू ए के प्लस के सी। फ्रेंड्स के की वैल्यू क्या है, ए के की वैल्यू क्या आई थी अभी, 3√2 × √3, और अभी हमारी के सी की वैल्यू आई है 3√2। फ्रेंड अगर हमने इससे थ्री रूट अगर हमने इससे थ्री कॉमन ले लिया तो ये क्या बच जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हमने इस वाली इक्वेशन से थ्री कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा √6 प्लस √2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3√6 प्लस √2, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप इस वाले क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। थोड़ा डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको खुद ही ट्राई करना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने इसलिए इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोग ना कर पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख ले, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ईजीली आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैं 2-5 सेकंड के लिए आप रोक रखा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं या ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, फ्रेश क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोफिशियंट ऑफ x² इन 6x³ प्लस x² का गुणांक बताना, x² की संख्या कौन सी लिखी हुई है, 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अजहर बलराज से 4 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम को 45 दिन कम में पूरा कर सकता है, दोनों साथ मिलकर वो काम कितने दिनों में करेंगे। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4x, हमने x मान ली बलराज की एफिशिएंसी, तो अजहर की एफिशिएंसी 4x हो जाएगी, तो 4x माइनस x बराबर 45 दे रखा है, तो 3x कितना हो गया, 3x हो गया 45, तो x बराबर आ गया 15। अब क्या बोल रहा है, यानी एफिशिएंसी आ गई 15, तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अजहर को तो लगेंगे 15 दिन और बलराज को लगेंगे 60 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हम इससे दोनों के हमारा टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है तो एलसीएम आ जाएगा 60। अब इसका एलसीएम वर्क करेगा टोटल वर्क की तरह, कुल काम, अगर अजहर 60 काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करता होगा, 4 यूनिट, और बलराज अगर 60 काम 60 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम करता होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो अगर दोनों मिलके साथ काम करें ए और बी, तो एक दिन में 5 काम करेंगे और काम है कितना, 60, तो 60/5 यानी कि 12, यानी दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 बार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। के का पता लगाएं यदि रेखा 2x − 3y = 11 और रेखा 3x − ky = -4 पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। फ्रेंड एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, स्लोप 1 इंटू
स्लोप टू बराबर माइनस वन, और ये कब होता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होके काटती हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम लाइन वन को देखें तो इसका स्लोप कितना है, माइनस 2/3। ठीक है, यानी एम वन तो ये आ गया, और एम टू कितना आना चाहिए, एम टू आना चाहिए ये वाई भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया तो शहीद हो गया। तो अब एम टू आना चाहिए -3/k। फ्रेंड एक छोटी सी बात और है, स्लोप का एक और फार्मूला होता है, स्लोप का फार्मूला होता है माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट, इसलिए मैंने अभी ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें मालूम है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो यानी कि 3 से 3 कट जाएगा तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2/3 इंटू -3/k, क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, तो माइनस से माइनस शहीद हो गया, इस चीज़ ये 3 शहीद हो गए तो k की वैल्यू 2 आ गई। कुछ ऐसा खास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस अपने को ये अप्रोच और ये अप्रोच पता होने चाहिए कि दोनों स्लोप्स के बीच में रिलेशन क्या होता है और स्लोप एक्चुअल में होता क्या है किसी भी लाइन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी 25-30 करोड़ बार रिपीट हो चुका है, तो ये भी आपको खुद ही ट्राई करना है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई बार इसको बताया है, समझाया है, और ये वाला क्वेश्चन तो अभी कोऑर्डिनेट वाला तो मैंने बस कल के वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह समझाया था, तो आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 45 अंक मिले और वो 45 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक। फ्रेंड्स 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी कि पास होने के लिए उसको कुल अंक का 1/4 चाहिए, है ना, 25% में खाली वो पास होगा, मगर उसके अंक आए कितने, 45, और वो 45 से ही फेल हो गया, यानी कि 45 नंबर आ गए, अगर 45 और आ जाते तो वो पास हो जाता, और 25% नंबर होते कितने, 1/4, और यानी कि 90 अंक मार्क्स है कितने, 25%, मतलब 25% उसको, और अपने को निकालना कितना, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने हैं, 4, मतलब 4 पार्ट्स अपने को 1 पार्ट पास होने के लिए चाहिए थे। अगर 90 मार्क्स 1 पार्ट, तो 4 पार्ट कितने होंगे, 90 × 4, 360 आंसर आ गया, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक आदमी 430 किलोमीटर चलता है, कुछ भाग रेल से और कुछ भाग स्टीमर से, नाव से। उसने स्टीमर में 10 घंटे ज़्यादा लगाए हैं रेल से, तो और ये भी बता रखा है कि स्टीमर की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और रेल की स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपने को ये बताना है स्टीमर से उसने कितनी चाल चली। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसको। फ्रेंड्स अपने को ये दे रखा है कि टोटल 430 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। फ्रेंड्स अगर वो पूरे का पूरा डिस्टेंस स्टीमर से ही चलता तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 17 घंटे लगते कम से कम, क्योंकि 425 तभी तो आता, 17 × 25 425, तो कम से कम 17 घंटे चलते। मगर वो कुछ डिस्टेंस रेल से भी चला है, रेल की स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आ, ठीक है फ्रेंड, और 65 × 130 यानी कि 5 घंटे तो वैसे ही कम हो जाएंगे, क्योंकि 25 के हिसाब से उसको 130 चलने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 5 घंटे, तो मिनिमम वो 12 घंटे तो चला ही होगा, 12 घंटे स्टीमर से चला ही होगा। तो देखते हैं एक बार 12 से कितना आता है उसका, 12 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 300, और 17 और 65 × 130, 0 3 4, बिल्कुल सही फ्रेंड, ऐसे ही आ रहा है। अब देख लेते हैं एक बार, ये तो मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको बताया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, वो जितना भी स्टीमर से चला है ना, मतलब जितना भी रेल से चला है, अगर वो रेल से 2 घंटे चला है तो वो स्टीमर से 12 घंटे चला होगा, 10 घंटों का डिफरेंस है ना, तो 2 और 10 12, अब देखो इन दोनों का अंतर 10 ही है,
तो 65 दूनी बराबर 130, और 12 × 25 300, आंसर आ गया 360 किलोमीटर, वो सॉरी 300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने को बताना है पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 89 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले क्या कर देंगे, इसके आगे जीरो लगा दो, हम इसकी सबसे बड़ी संख्या जल्दी से जल्दी बना लेंगे। अगर हमने 890 के आगे जीरो लगा दे तो 89 से तो भाग हो जाएगी, मगर ये अभी तीन अंकों की सबसे बड़ी डिजिट नहीं है, तो ये इसको बना देते हैं एक बारी, 89 और ऐड कर देते हैं, तो ये तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 89 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इसके आगे दो जीरो और लगा दें जल्दी से, तो ये पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या के आसपास पहुंच गई, ठीक है, मगर भी है मैक्सिमम नहीं है। अगर हमने इसमें 890 और 890 और जोड़ दिया, या भी खाली 890 जोड़ा, अगर हम इसमें 890 और जोड़ते हैं तो ये कितना आ रहा है देख लेते हैं, आसपास आ रहा है क्या, 0 9 18 01 8 2 16 17 17 और 9 25। तो फ्रेंड अभी भी हम कुछ नंबर्स में ऐड कर सकते हैं, अगर हमने इसमें 89 89 89 9 27 27 32 4 40, आखिरी में 47 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी ये इजीली डिवाइड हो सकता है, तो हमारा आंसर आ गया। ये अप्रोच है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ऐसी डिस्ट्रिक्स पे वर्क करेंगे तो आपको ये जल्दी करना भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट अपॉन टेन ए इज इक्वल टू, फ्रेंड्स अपने को 1 + 10² की वैल्यू क्या होती है, सेक्स स्क्वायर होती है, तो क्या दे रखा है, सेक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन टेन ए, इस स्क्वायर से स्क्वायर शहीद हो गया, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और टेन ए को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इस कॉस से कॉस शहीद हो गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2800 हो और चक्रवृद्धि ब्याज 2996 हो तो ब्याज दर कितनी होगी। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात आपको याद रहनी चाहिए कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हर सभी वर्षों के लिए सेम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है खाली पहले वर्ष के लिए सेम होता है और बाकी के वर्षों के लिए अलग अलग होता है। तो फ्रेंड ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा अभी साधारण ब्याज दे रखा है ये 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना होगा, 1400, और दूसरे 6 साल के लिए भी 1400 होगा, मगर अपने को एक बात और मालूम है, पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता तो ये भी 1400 ही होगा, ठीक है, तो चेंज कितना किस में आया होगा, अगले साल सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज आया होगा, और वो कितना मिला होगा, 1596। फ्रेंड अगर हम देखें तो अगर हम प्रिंसिपल मान लें 1400, तो 1400 में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 196 रुपये की, तो इंटरेस्ट हो गया 196, प्रिंसिपल हमने 1400 माना है क्योंकि इसी पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है, पी इंटू आर टाइम वन ईयर है बटे 100 14, तो आर बराबर 14 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ही फ्रेंड ये साल आखिरी चांस है, इस साल SSC करवाएगी, अगले साल से तो CET होगा, तो आपको ऐसी अप्रोचेस सीखनी पड़ेगी, अभी आपके हाथ में 45 डेज हैं, आग लगा दी नहीं इस बारी, अगले साल थोड़ा सा टफ हो सकता है, प्रोबेबल चांसेस हैं कि टफ हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए इस साल जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो काफ़ी खुशकिस्मत होंगे मेरे अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
20 मीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है, ठीक है। इसकी लंबाई एक छोर से गहराई 1 मीटर है और दूसरे छोर की गहराई 3 मीटर है। इस पूरे पुल पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की ज़रूरत है? फ्रेंड एक बार देख लेते हैं, कुछ इस तरह से है। अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो कुछ इस तरह से है। ये जो इसकी विड्थ है ये 10 है, इसकी ये लंबाई 20 है, यहाँ से ये ऊंचाई 1 है और यहाँ से ये वाली ऊंचाई 3 है। तुरंत अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें, दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक तो घनाभ बन गया और एक ट्रायंगल में थोड़ा सा हमने थोड़ी सी विड्थ दे दी है। तो हम देख लेते हैं एक बारी, घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तो ये एल हमने पूरे में कॉमन मान लिया एक पार्ट, तो हाइट कितनी होगी इसकी? एक, विड्थ है 10 और चौड़ाई है 20, तो यहाँ से आ गया 200। अब अपने को इस पार्ट का और निकालना है, इस पार्ट का। तो अपने को मालूम है कि ये बचा हुआ भाग 2 होगा, ये 10 है, सॉरी 20 है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है फ्रेंड्स? 20 × 2 × 1/2, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, 90 डिग्री एंगल है, तो 2 से 2 शहीद हो गया 20। तो इसका एरिया आ गया 20। और अपने को वॉल्यूम वॉल्यूम मालूम है क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस होता है। थिकनेस कितनी है? 10। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल वाले पार्ट का? 20 × 10 = 200। तो ये भी 200 आ गया, दोनों को जोड़ दो, 400 आंसर आ जाएगा। हमने इन दोनों को एरिया वॉल्यूम्स को जोड़ दिया, इसका आया था 200, ये भी हमने 200 कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर आ जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी पेपर में कई बार रिपीट हो चुका, तो आप लोगों को ये खुद से ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इफ द एरिया ऑफ सेक्टर इज 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हुज कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इज 72। तो फ्रेंड फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, खंड का एरिया कितना होता है? थीटा अपॉन 360 πr². तो अपने को एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 30.8, 30.8 बराबर थीटा है 72, तो 72/36 × 10। मैंने 360 को 36 × 10 लिख दिया ताकि काटने में आसानी हो जाए। मैं पाए को 3 ले लेता हूँ क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से भी काम हो जाएगा हमारा। मैं पूरा पॉइंट ऑफ नहीं लिख रहा, तो पाई को मैंने 3 लिख लिया, 3.14 था, मैंने 3 लिख दिया × r². फ्रेंड्स अगर हम इसको देखें तो ये 2 बार शहीद हो गया, दो, ये 5 बार चला गया, ठीक है। अगर हम इसको 0.6 कर देते हैं और ये 0.6 अगर चला जाए तो 6×5 = 51 के आसपास है r² की वैल्यू। r² = 51 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, तो 7 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो 49 आता है, तो 7 आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 51 7 के आसपास ही है, अगर हम अंडर रूट करेंगे इसका तो आंसर आ गया 7। ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो, ये तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x + 6y = 3x एंड 10x - 3y = फाइंड एक्स एंड वाई। अपने को बस वैल्यू पुट कर देनी है, किस एलिमिनेट करके कर लेते हैं। यहाँ पे इसको एक्स बना देते हैं, 10x बना देते हैं, तो अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 5 से, ये 5 से, ये 5 से, तो कितना हो जाएगा? 10x + 6×30y + 5×15x = 15xy। तो अब इससे कर देते हैं 10x - 3y = 4xy बराबर 4xy। फिर अब इसको माइनस करना है, माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 10 से 10 शहीद हो गया, ये हो जाएगा 33,
33y इज इक्वल टू 11xy, तो y से y शहीद हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। देख लो x की वैल्यू 3 किस में, पहले ऑप्शन में, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। से ऊपर करता हूँ, शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो 25% का नुकसान होता है, अगर वो 20% छूट दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखो, जब वो 10% छूट दे रहा था तो उसको नुकसान हो रहा था, कितना, 25% का। अब उसने छूट को और ज़्यादा कर दिया तो उसको नुकसान थोड़ी, प्रॉफिट थोड़ी सा, तो नुकसान ही होगा। तो देख लो, पहला ऑप्शन प्रॉफिट दे रखा, आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन लॉस दे रखा है। एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं, पूरा दिख नहीं रहा। देख लो फ्रेंड्स, खाली एक ही ऑप्शन है लॉस का, बाकी सारा प्रॉफिट का तो हो ही नहीं सकते, आंसर अपने आप ही आ गया, अपने को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पहले के वीडियोस में बता रखा है, आप लोग ट्राई करके देखना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें इसका सोल्यूशन भी आना चाहिए, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बता रखा है। फ्रेंड्स, अब जितने भी DI के क्वेश्चन हैं ना, वो सारे मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नया नहीं पूछा, ये भी पहले का है, आप लोग ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुका हूँ, अगला क्वेश्चन था हमारा DI का। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने और कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को सजेस्ट किया था, सर आप रिपीटेड क्वेश्चन मत कराया करो, वो हमें करने का मौका दिया करो। तो मैंने उन्हीं के सजेशन को मानते हुए ये स्टेप उठाया है। बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सजेशन पर भी फॉलो अप करता रहूँगा, बीच बीच में देखता रहूँगा कि आप लोग क्या ऐसा मेरे को फीडबैक दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस टाइम, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।